लास्ट मोमेंट है मेरा इस बाइक के साथ, तो शायद मेरी किस्मत में ये बाइक नहीं थी एंड हो सके इन फ्यूचर RS 400 आएगी, किसकी नज़र लगी है इसको। और मेरे पास वो मशीन तो है लेकिन इस बाइक के सामने वो फीकी पड़ती है। 21,930 रुपीज़ है ये, देख लो भाई यहाँ पे पूरा ना रेट यहाँ पे लिखा हुआ। मेरे पास भाई इतने भी पैसे नहीं है सच कहूँ तो, मैं इस पे इन्वेस्ट करूँ बार बार। थैंक यू सो मच। तो ये चेन वगैरह खोल दी, अब टायर की टर्न है, इसके बाद देखते हैं क्या इशू है इसमें। अभी इसको भैया पूरा इस पे अलाइनमेंट वाली मशीन होती है इस पे चेक करेंगे। बहुत पहले से खोले करता हूँ, आप शायद 9 कुछ के थे उस वक्त जब आप कारगिल टोल साइड। आपके जैसे बंदे ना मेरे को एकदम स्टार बनाओगे पता है। तो मेरे को क्या बोल रहे हो भाई, बोल तो दिया आपके पास गाली नहीं देगा भाई। आप मेरी आईडी दोस्त के पास लॉगिन की, अच्छा उसने वो आपको नफरत करता था इसलिए मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। मेरे से नफरत करता था? क्यों नफरत करता था? लड़की को घुमाता है। क्या करता है? लड़की को घुमाता है। आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है हम अपने घर से करते हैं एंड जैसे देख रहे हो पीछे कल बारिश थी, तो बारिश की वजह से अपनी बाइक भी पूरी खराब हो रखी थी। आज हम यहाँ से जाएंगे इसकी वॉशिंग करवाने के लिए। पहले देखो बाइक कितनी ज्यादा बुरी लग रही है। यार आप बहुत अच्छे इंसान हो यार। किस हिसाब से अच्छा इंसान हो ये तो बताओ। नेचर अच्छी है यार, आप हर किसी से मिलते जुलते हो। लेकिन इस मिलने जुलने को यार बाकी को हम बुलाते हैं हेलो भैया, आपके फैन भाग जाते हैं। लेकिन इस मिलने जुलने को सिंपलिसिटी को लोग कुछ सोचते हैं कि ये बंदा ही ऐसे ही है। तो मेरे साथ क्यों नहीं आओगे भाई, बोलो सही। देखो एक बंदा वैसे शर्माता है, पीजी से बाहर जब होता है, जब पीजी से बाहर होता है भाई तू मेरा भाई है, तू मेरा ये है, तू मेरा वो है, आज आता नहीं व्लॉग में, क्या फायदा ऐसी दोस्ती का। आगे फिर बाद में बनाएंगे, पक्का फिर पक्का होगे, पक्की बात है। चलो भाई आज के व्लॉग में जो है ना भाई अपनी Z900 को अभी हम चेक करवाने लेके जाएंगे। जो भाई जब मैं ट्रिप पे गया था श्रीनगर वाली, तो भाई इसका स्प्रॉकेट मुझे लगा था वहाँ पे किसी की वजह से हिट हुआ, जिसकी वजह से ये थोड़ा टेढ़ा चल रहा था। तो लेकिन चीज़ ये है कि भाई मुझे शक किसी और चीज़ पे है, ये वाला पूरा पोर्शन ना, ये ना जब चेन चलती है तो ऐसे वॉबल करती है, ऐसे ऐसे करके मतलब ना हिलता है। अभी यहाँ से हम चेक करवाएंगे प्रोफेशनल से, कॉज हमने ना फ्रंट इसका टायर भी चेंज करवाने जाना है। एक और काम करना है वो एक है भाई, अपनी जो वुल्फ है ना भाई उसको शोरूम से लेके आना है। बड़ा बेकार सा जर्नी चले गया भाई उसके साथ मेरा, मतलब जब से मैंने उसको अपने साथ लाया हुआ है लेकिन ना भाई वो बाइक अच्छी चली नहीं यार। ये कॉज मैंने ना जब से और किसी दूसरे बंदों को राइड करने के लिए दिया ना उस बाइक को, तो भाई उसका सारा सीन खराब हो गया यार। गाइज ये यार बाइक की शॉप जो है चाहल, इस पे लिखा हुआ यहाँ पे त्रिकुटा नगर में, ठीक है। तो ये नहर वाला रोड है भाई, यहाँ से आता है ऐसा फील होता है जैसे अपने घर में आता हूँ मैं, यहाँ भैया के पास। तो ये चेन वगैरह खोल दी, अब टायर की टर्न है, इसके बाद देखते हैं क्या इशू है इसमें। ये ना थोड़ा ऐसे वॉबल कर रहा था, अभी इसको भैया पूरा इस पे अलाइनमेंट वाली मशीन होती है इस पे चेक करेंगे। इसमें बैंड है पूरा, गरारी में कुछ फर्क आ रहा है, कह रहे कि थोड़ी टेढ़ी आई थी। अब यहाँ से जब ये इस पॉइंट पे फिर जीरो आ रहा है, नीचे MM जो चेन सेट है पूरा स्प्रॉकेट ही चेंज करना पड़ेगा। सॉकेट चेंज करा उसने, सॉकेट बेंड हो गई हुई है। ये जो ये वाली स्प्रॉकेट है बैक वाली, ये बेंड हो गई हुई है। पहले हमने सोचा था कि शायद कोई फिटिंग में कोई दिक्कत रह जाती कभी, लेकिन सीन ये हुआ कि लास्ट टाइम आपको पता है मैं जहाँ टायर फिट करवाने गया था लोकल शॉप पे, तो उन्होंने भाई क्या किया, टायर नीचे रखा था, खुद ऊपर चढ़े थे उस पर, क्योंकि उनसे वो टायर निकल नहीं ना रहा था बाहर। तो वो ही होता है इंसान सस्ते के चक्कर में किसी के पास चले जाए तो नुकसान मुझे कोई कम से कम 25-30 हज़ार का हो जाएगा। भैया बोलते हैं ये तो रिप्लेस ही हो जाता है इसका चेन सेट पूरा, क्योंकि बेंड हो गया हुआ है ना, उसके ऊपर चढ़े हुए थे जब टायर चेंज करवाना था। तो अब टेंशन ये है कि कावासाकी वालों को मैंने फ़ोन किया था, मैंने उनको ये बोला कि ये अगर स्प्रॉकेट आपके पास यही बैक वाला है जो बैंड हुआ हुआ है वो बेटर है, क्योंकि ये जो चेन है ना इसकी हेल्थ भी कम हो जाएगी, अगर ये बैंड रहेगा इसकी चेन की हेल्थ कम हो जाएगी। और इसका चेन सेट जो है पूरा 30-35 हज़ार रुपये का, शायद इतना ही मेरे को लगता है कॉस्ट है। क्या कहते हैं इंसान की खुलतियाँ होती है ना, कभी कभी इंसान को ना पैसे नहीं बचाने चाहिए, कभी कभी इंसान को ये होता है ना कि अपना आराम देखना चाहिए, कम्फर्ट। अब मैं इतना हरास हो रहा हूँ इसकी वजह से। चलो कोई मसला नहीं, अभी हम कावासाकी के शोरूम भी चलेंगे, देखते हैं स्प्रॉकेट नया कितने का पड़ेगा, चेंज तो करवाना है क्योंकि ऐसे ऐसे बबल कर रहा है। हम देखेंगे गैराज, आपका गैराज क्या कहते हैं, गोडाउन। चलो जी, और भैया के प्राइसेस इतने अच्छे हैं ना, मतलब आप परेशान हो जाओगे, बस एक बार आओ तो सही। यहाँ पे 3 गोडाउन है, हाँ यहाँ पे है, एक ऊपर है, किसके बैक साइड में है, आओ देखते हैं जरा कहाँ पे क्या है। कुछ नहीं करेगा भैया, पूरे टायर्स ही टायर्स हैं। ओ भाई साहब, हाँ पूरे टायर्स हैं। डॉग कहाँ पे है, मत छलांग मारेगा यहीं से। ये सिक्योरिटी गार्ड है भैया, ये तो मेरा मुंह पकड़ लेगा यहीं से भाई। किसी और को लाउड नहीं है इसलिए भाई हम नहीं आएंगे, अगली बार पास बना के परमिशन होगी तो तभी आएंगे, फिर एंट्री होगी। हाँ अगली बार मेरा पास बनवा लेना भैया। डुल्ले टायर है आपको 15 नंबर से मैंने बोला, जितने टायर आपको चाहिए भैया और अच्छे रेट्स में आपको दे देंगे, ठीक है भैया। थैंक यू,
जब अगला वाला टायर है ना वो कब अवेलेबल करके दोगे? मेरे पास विद इन वीक मिल जाएगा आपको। ओके विद इन वीक आ जाएगा, नया स्टॉक आ रहा है अभी। देखो ये पूरा खत्म हो रखा है, भैया बोल रहा है कि मैं ना न्यू टायर आपको दूंगा। चलते हैं ऐसे सीधा कावासाकी के शोरूम के लिए। अगर हमें सिंगल स्पॉकेट मिल गया बैक वाली साइड का फिर तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो ऐसे अगर मैं बाइक ऐसी चलाते रहूंगा, ये टेढ़ा वाला स्पॉकेट है तो उसकी वजह से मेरा चेन सेट भी विद पैसेज ऑफ टाइम ना खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से मेरे को और खर्चा पड़ जाएगा। तो गाइस पहुंच चुके कावासाकी के शोरूम के बाहर। गाइस अभी चेक कर रहे हैं भाई, ये देख लो भाई, ये तो स्पॉकेट ही टेढ़ा है यार, पता नहीं लग रहा है कुछ मेरे को। तो गाइस मैं भी कावासाकी के शोरूम से वापस आ गया, पार्ट मैंने न्यू ऑर्डर करवा दिया भाई। अब कावासाकी के शोरूम में भाई 5 से 6 दिन में आ जाएगा ये, तो हम इंस्टॉल करवा देंगे यहाँ से। 5,500 का बैक वाला स्प्रॉकेट है, आप सोचो भाई कितने एक्सपेंसिव इसके पार्ट होंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई आप इस वाली साइड कहाँ जा रहे हो, तो भाई मैं जा रहा हूँ सिद्रा, और मैंने जो वुल्फ दी थी ना ठीक करवाने के लिए वो मैंने भाई को बोला था लाने के लिए, जो पुराने ओनर थे उनके, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो सिद्रा में मेरा वेट कर रहा है। तो चलो आप सब लोगों ने बोला था कि वुल्फ को वापस लाओ, तो उसके साथ ना कुछ प्यारी मोमेंट्स मेरी ना स्पेंड करना चाहता हूँ, लास्ट मोमेंट्स होने वाली है मेरी वुल्फ के साथ। भाई जब से मैंने बाइक को वापस लाया वुल्फ को ना, तब से वो वैसी नहीं चली, कॉज आपको पता है बहुत सारे बंदों ने उसको राइड किया था। तो भाई ये देखो कितने सारे बंदे भाई यहाँ से जा रहे हैं साइकिल पे, अभी इनसे पूछते हैं ये कहाँ जा रहे हैं। भैया आप कहाँ जा रहे हो? भैया इस पे साइकिल पे जाओगे? कहाँ से आए हो? साइकिल चला के आए? अच्छा चढ़ाई के टाइम ऐसे ही चलाते हो? नहीं नहीं यहीं चला रहा है, वहाँ से चला के लाया। मध्य प्रदेश से 10 दिन लगते हैं यहाँ पे। तो मैसेज कुछ देना चाहोगे अपने इंडिया के लोगों को, हम सब लोगों को, क्या है आपका? सब कुछ अच्छा है, हम माँ से मिलने के लिए आते हैं। हाँ अंदर से उत्साह बढ़ाती है माँ। अच्छा वो रक्षा के लिए जो है ना वो रक्षा करती है? कोई परेशानी नहीं आती हमें रुकने की, खाने की, पीने की, कहीं से कहीं तक हो जाता कुछ ना कुछ। इंसान कुछ भी अपनी जिंदगी में करना चाहे तो कर पाता है, बस उसमें अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए कुछ करने की। सही है, चलो यार बहुत अच्छा लगा, आज आप YouTube पे आओगे सारे बंदे तो ठीक है। आपने यही बोला कि हम बड़े खुश हैं, हमें ये जर्नी अच्छी लगती है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मध्य प्रदेश से जितने भी बंदे देख रहे होंगे ना, सब इनके लिए भाई दुआएं दे देना कि आराम से पहुंच जाएं ये कटरा, ठीक है? ठीक है। थैंक यू सो मच। आप में एनर्जी बहुत लेवल हाई है, इतना चल के भी आए तब भी थका हुआ फील नहीं करते, बहुत सही। हर साल यहाँ से जो ना हमारे यात्री गुजरते हैं जम्मू एंड कश्मीर से होते हुए कटरा जाते हैं, फिर अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, भाई इनके लिए ना हमारे दिल में एक रिस्पेक्ट होती है, इसलिए मैं रुकता हूँ सबके साथ मिलता हूँ। कॉज मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई मैं फेक दिखाऊँ कुछ भी चीज़ें, मैंने जो रियलिटी है मेरी यूट्यूब पे वही मेरी सामने भी है भाई। तो भाई मैंने अच्छे से मिलजुल के इनके साथ फोटो खींचा, तो आपको ना इंस्टाग्राम पे फोटो मिल जाएगा, ये मेरी आईडी आ रही, जाके फॉलो करो, यहाँ पे पोस्ट को लाइक करो और कमेंट करके बताओ आपका क्या ओपिनियन है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने भाई के पास, तो ये देख लो भाई हमारी वुल्फ जो है ना सामने एकदम से लगी हुई है भाई, इसके ऊपर लाइट मारता हूँ। तो भाई लाए दी आपने फिर शोरूम से? भाई ले आए, कोई हाथ नहीं लाया, कोई कुछ नहीं, कोई भाई नाराजगी चल रही है। नाराजगी तो इसलिए चल रही है, एक तो आपने फोटो अपलोड किया कि बाइक मेरी है, ये है वो है, भाई लोग बहुत गंद बकरे हैं यार, क्या करूं भाई। अब सुनो ना, बाइक अब मेरे से तो चल नहीं रही है, मेरे से प्रॉब्लम आ रही है इसको, पिछले एक महीने से बाइक मेरे पास थी लेकिन इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से मेरे इतने सारे पैसे खर्च होंगे, ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ कि ये बार बार हो। मेरी इस बाइक के साथ जर्नी जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, मैं दुखी इस चीज़ से था कि मैंने भाई 80,000 में इस बाइक को बेच दिया, जिसने मेरा एक फ्यूचर बना दिया था जिस बाइक ने, पता है आपको है ना, उस बंदे को बेची थी मैंने, उसके बाद आपने ली, लेकिन मुझे पता तू प्यार करता है इस बाइक के साथ, हाँ तूने इसमें पैसा भी लगाया, लेकिन क्या फ़ायदा उस पैसा लगाने का भाई, जब इसको बाइक को पहले से ही जी ना इससे बेटर है कि मैं एक नई बाइक परचेज करूं। आपको पता है कोई भी चीज़ आप ज़बरदस्ती पकड़ के रखते हो ना, अगर कोई भी रस्सी खींचते हो, अगर तुम उसको जोर से पकड़ोगे इवन तुम्हारे हाथों में अपने दर्द होगा, तो वही दर्द मेरे को कुछ इस तरह से ना इस बाइक ने दिया है। कॉज मेरी गलती है, मेरी गलती ये है कि मैंने इसको सेल किया था चंद पैसों के लिए, वो भी भाई 80,000 रुपीज़ के लिए मैंने इसको सेल कर दिया, जो मैं अपनी सच्चाई रियलिटी आज यूट्यूब पर बोल रहा हूँ। तो पहले इन भाई ने तो बड़ी केयर की इस बाइक की, लेकिन इससे पहले जिस बंदे के पास थी भाई उसने इसकी सर्विस नहीं कराई, सब चीज़ें ख़राब कर दी। अब मैं इस पर जितने पैसे लगाऊँ भाई इतने कम है, वो टाइम आ गया फाइनल कि मैं ये बाइक ना इसी बंदे को देने जा रहा हूँ वापस। तो शायद मेरी किस्मत पे ये बाइक नहीं थी, एंड हो सके इन फ्यूचर RS 400 आएगी तो वो बाइक मैं ले आऊँगा आप सब लोगों के लिए। एंड बहुत बुरा लग रहा है मेरे को ये चीज़ बोलते हुए कि आज से ऑफिशियली जो है ना ये बंदा ही इस बाइक का ओनर है, तो मैं नहीं हूँ, ठीक है? अब इस बंदे को बेचारे को तंग नहीं करना आप कमेंट्स में कि भाई
वुल्फ भाई की बाइक थी तो आपने क्यों ली या आप क्यों राइड करते? मुझे पता है तुम्हारा एक इमोशन है और लास्ट मोमेंट है मेरा इस बाइक के साथ। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास भाई इतने भी पैसे नहीं है, सच कहूँ तो मैं इस पे इन्वेस्ट करूँ बार बार। अभी इस पे ना 25,000 रुपये खर्चा आया और इसकी वायरिंग तो मैं दिखाता हूँ ना पूरी अंदर से न्यू होगी। आप बोलोगे कि झूठ बोल रहा हूँ लेकिन झूठ नहीं है भाई। ये देखो वो जो है ना ब्लू कलर की लाइट दिख रही है अंदर से, वो देखो ब्लू कलर की वायर दिख रही है ना अंदर से स्विचेस, तो बाइक की पूरी वायरिंग जो है न्यू हो गई है। ये शेर था भाई यार, इस शेर से ना मैं बहुत प्यार करता था लेकिन इसकी ना ये आईज एंड वाले टाइम पे ऐसा हुआ कि ये आईज ही जलने नहीं लगी यार, पता नहीं किसकी नज़र लगी है इसको। और मेरे पास वो मशीन तो है लेकिन इस बाइक के सामने वो फीकी पड़ती है। मुझे बहुत प्यार था, अभी थोड़ा ना सांस चढ़ती है चीज़ बोलते बोलते। मेरे पापा के नाम पे ये बाइक, अभी भाई ये मेरे साथ चलना ना, बाइक अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर देना आप, ठीक है भाई? ये है भाई इसके जो खर्चे हैं अभी तुम्हें मैं दिखाऊंगा। ये लास्ट वाला कल वाला बिल है, डेट भी देख लो आप, कोई बोलेगा झूठ बोल रहा है, कहाँ की डेट है ये देखो 2/8/2024 की डेट है, ठीक है? तो ये पार्ट्स हैं जो सारे इसमें पड़े हुए हैं, आपको पता है इन पार्ट्स ने ना मेरे को वो यार टाइम दिला दिया जिस दिन इसका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है? तो ये एक ये पूरे पार्ट्स की लिस्ट है, फिर उसके बाद आगे करके दिखाता हूँ तुम्हें। तो ये टोटल बिल है 21,930 रुपीज़ है, ये देख लो भाई यहाँ पे पूरा ना रेट यहाँ पे लिखा हुआ। किसी दिन मेरे साथ चलना, आपकी ना बाइक आपके नाम कर देंगे, ऑनलाइन हो जाएगी, मैं ऑनलाइन ओटीपी मांगूंगा और ओटीपी से करवा लूँ। इसका जो डाउन था ना बैक साइड वाला, ये पोर्शन ऊपर हो गया हुआ, कॉज ये इसमें ना सस्पेंशन में प्रॉब्लम होगा फिर। हाँ सस्पेंशन में था शायद, मुझे याद क्योंकि आई चलाते वक्त ऐसा फील आता है। और क्या बोलते हैं, तो एक काम यही रुको मैं एक राइड करके आता हूँ इसकी। लेकिन बेचारे को गालियां नहीं देना यार, इसने बड़े पैसे लगाए हैं, ठीक है? नहीं देगा कोई गालियां आज के बाद, कम से कम 1.5 लाख लग गया भाई। ओ ये क्या खींच रही है भाई, ये क्या सीन है इसका, देखना पहले गियर में 45 क्या बात है, 61 माय गॉड, ये बहुत ज्यादा खींच रही है भाई, ये देख लो, ये देख लो भाई 100 होगी, 100। ये हेलमेट है ना भाई, सारे लोग बोल रहे थे मेरे को ना हेलमेट चेंज करने के लिए, अभी भाई मेरे पास 6,500-7,000 नहीं है कि न्यू हेलमेट ले लूं, अभी पुराने वाले हेलमेट पे सेटअप लगाया हुआ, सच बोल रहा हूं तुम्हें, जिसकी वजह से मेरे को और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ये बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाता, कॉज ना सस्ता वाला हेलमेट है भाई स्टड्स का, भाई यार 2300-2400 रुपए का हेलमेट है, अभी कुछ ही टाइम के बाद थोड़ी सेविंग हो जाएगी भाई, न्यू हेलमेट भी परचेज कर लेंगे। वाओ क्या बात है भाई, इतने प्यारे मौसम में इतनी प्यारी राइड, मां कसम दिल खुश हो गया, वो एकदम से सो हो जाती है, देख लो कितनी स्पीड चढ़ गई, 125 चढ़ गई भाई। मुझे तो लगता है NS 400 के साथ इस बाइक को अगर भगाओगे ये तब भी आज भी आगे निकल जाएगी भाई, मुझे ऐसा ही लगता है भाई, क्योंकि ये बहुत पावरफुल थी यार। ये पता नहीं बजाज ने एक अनलिमिटेड ऐसा पीस बनाया हुआ था जो ना 160 तक जा रही थी यार, ये क्या डाला हुआ है भाई बीच में, बाल्टी डाली हुई है। चलो खींचते हैं अभी फुल टॉप एंड देखते हैं कितना जाता है, ये देख लो 120 तो है, आराम से चली जाती है विदाउट एनी वो हेजिटेशन, 130 ये देखो, 137 140 देखो देखो, तभी तो मेरे को ये बाइक पसंद थी भाई। ये देख लो 140 150 हो जाएगी, 149 होगी शायद भाई, इतना ही समथिंग हुआ, कमेंट करके बताना मेरे को लास्ट जो है टॉप एंड कितना गया था इसका। चलो ठीक है भाई, लास्ट टाइम अलविदा बोलते हैं अपनी वुल्फ को, ठीक है? बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा सफ़र था इस बाइक के साथ, लेकिन अभी आज से तुम्हारी है, ठीक है? हमारा सफ़र भी अच्छा ही होगा जरूर। गाइज आपको पता है मुझे इस टाइम ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा अपनी वुल्फ को ना भाई को देखे जो कि पीछे पीछे आ रही है। कैसे हो, ठीक हो? यही बंदा गाली बकता है, मैं ही नहीं था यार, मेरी आईडी से कोई और था। कैसे, किसने बताया तुझे? ओ मेरे पहचान लिया, इन्होंने रिप्लाई किया ना। अच्छा उसने मेरे को कमेंट आपके उधर पोस्ट, अच्छा अच्छा भाई से मैं पीछे देखा लाइट चल रही थी, हां हां जल रही भाई, बड़ी सेक्सी लाइट लग रही है आपकी। हां मैं आपको मतलब बहुत पहले से फॉलो करता हूं, आपके शायद 9 के थे उस वक्त जब आप कारगिल टोल साइड, आपके जैसे बंदे ना मेरे को एकदम स्टार बनाओगे पता है। तो मेरे को क्या बोल रही हो भाई, बोल तो दिया आज के बाद गाली नहीं देगा भाई इसको, नहीं मैंने आप मेरी आईडी दोस्त के पास लॉगिन की। अच्छा उसमें वो आपको नफरत करता था इसलिए मैंने उससे दोस्ती तोड़ दी। मेरे से नफरत करता था? क्यों नफरत करता था? बोलती लड़की के साथ घुमाता है। क्या करता है? लड़की घुमाता है साथ। लड़की घुमाता है, अब क्या चाहता है, अकेला घूमूं? पता नहीं, नहीं उसको बोलना अगली बार मेरे को मैसेज करना आपका नाम क्या है।
अंदर। आप तो मेरे फैन हो ना, आपको मेरे भाई मानते हो, आप उस बंदे को पूछना कि भाई आप क्या करें ऐसा कि जो तू सजेस्ट करे, बोलना सो मुंह सो बातें तो होती हैं। मैंने भी बहुत बोला उसको, छोटा लड़की घुमाता तभी नफरत करता है। भाई तू भी घुमा ले। नहीं जब से श्वेता ही ना, अच्छा अच्छा, उसने आपका ब्लॉग देखना बंद कर दिया। बोले पहले मतलब एज कितनी है मेरी? अभी 17 चल रही है। है ना 7? देख बोला था 17-18 हो गए, भाई यंग एज मेरे को सपोर्ट करते हैं। आओ यार गले मिलो आप मेरे साथ यार। यार क्या बात है, ऐसी होती है रियल ऑडियंस हो रही होता है रियल प्यार। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि श्वेता जब से मेरी लाइफ में आई, कुछ लोगों को क्यों इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, क्या पता नहीं, कहीं अगर हिंदू मुस्लिम वाली बात है कि भाई वो आपकी ना पर्सनल चॉइस है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कॉज वो आपकी थिंकिंग है कि भाई आप ऐसा सोचते हो मेरे बारे में। एक बात सुन लो भाई, जो मुझे नफरत करने वाले लोग है ना भाई, मेरे को ना तुमसे ज्यादा चाहने वाले लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। ठीक है तो चलो यार, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहना, मेरा दिल जो है ना कभी नहीं तोड़ना कि भाई मैंने एक रेगुलर व्लॉगिंग का स्टेप फिर से लिया हुआ है। मैं रेगुलर व्लॉग्स कर रहा हूँ तो क्या, तब मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को इस चीज़ से बड़ी खुशी मिलती है भाई। ठीक है तो भाई मैं करूँगा। ठीक है चलो भाई, ये इसकी पार्किंग की जगह है, तो भाई ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।